बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुपर कुकिस्ट में वेलकम। रमज़ान का महीना है, बच्चों और बड़ों सबका रोज़ा होता है। सबके लिए हम बनाते हैं इफ्तारी हर रोज़ स्पेशल। आज हम स्पेशल बना रहे हैं आलू के सीख कबाब। उसके लिए हमारे पास के दो बड़े साइज़ के हमने आलू लिए हैं, इनको हमने ग्रेट कर लिया है। ये बंद गोभी है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको हम बाउल में डालते हैं। अब ये मेरे पास चिल्ली फ्लेक्स है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक भी मैंने 1 टीस्पून लिया है और ये काली मिर्च 1 टीस्पून है। गर्म मसाला यानी कि गर्म वो स्पेस ज़ीरा ये है 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून और ये है अजवाइन, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये हम सारा कुछ इसके अंदर डालते हैं। इसके अलावा भी कुछ मसाले हैं, चाट मसाला ये एक लाजमी आइटम है इसमें, वो हमने 1 टीस्पून डालना है। टिक्का मसाला ये भी हमने 1 टीस्पून डालना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। अब हमारे पास ये प्याज है कटा हुआ, ब्रीक ब्रीक मैंने इसको काटा है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मीडियम साइज का प्याज था। ये हरा धनिया है 2 टेबलस्पून। ये 4 अदद हरी मिर्च है जिनको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। ये ग्रीन प्याज का ऊपर वाला पार्ट है, इसको भी मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है चिकन, इसको मैंने ब्रीक रेशों की सूत में कर लिया है। ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डालूंगी खुश्क धनिया, इसको मैं हाथों से मसल लूंगी। अब हमारे पास ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये हमने इसके अंदर डालने हैं और सब को मिक्स कर लेना। अब हमारे पास ये सीख है, इस तरह हमने सारे कबाब जो हैं बेल लेने। और इस तरह उतार उतार के रखते जाने। अब हम अपने कबाब ऑयल के अंदर डालते हैं। कबाब एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज करते हैं। बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। मैं
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार कबाब तैयार हुए हैं। यकीन जानिए ये बहुत ही आपको मज़े के लगेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी भी हैं ये, बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक से शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।